हेलो स्टूडेंट्स क्या हालचाल है आप लोगों के जोरदार चल रहे थे हम जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे सिक्स और जो लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स उसमें था स्टॉक है ना स्टॉक के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होता है वो हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स में समझा था आज ऐसे क्वेश्चन और दो है एक तो सेवन्थ भी ऐसे ही है जिसमें स्टॉक का पॉइंट है एट्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है जिसमें स्टॉक का पॉइंट है तो स्टार्ट करें चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के आज ये दो क्वेश्चन करने से फिर इसके बाद में जो मैंने बताया था वैसे लास्ट क्लास में भी कि बाकी के जो चार क्वेश्चन है वो तो बस वो पीछे वाले जो बैट्समैन होते हैं ना वैसे फटाफट से आउट हो जाते हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन सेवन थोड़ा सा बड़ा है ठीक है ध्यान से समझना सेवन क्वेश्चन दे रखा है कंपनी प्रोड्यूस टू जॉइंट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेम बेसिक मटीरियल द प्रोसेसिंग इज कम्प्लीटेड इन थ्री डिपार्टमेंट मटीरियल इज मिक्सड इन डिपार्टमेंट फर्स्ट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एक्स एंड वाई गेट सेपरेटेड इसका मतलब डिपार्टमेंट फर्स्ट का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो ज्वाइंट कॉस्ट होगा क्योंकि वहाँ से दो प्रोडक्ट बनते हैं कौन कौन से एक्स और वाई आफ्टर सेपरेशन एक्स इज कम्प्लीटेड इन द डिपार्टमेंट सेकेंड इसका मतलब ये जो डिपा ये जो प्रोडक्ट एक्स है वो फर्दर प्रोसेस होता है कहाँ पर डिपार्टमेंट सेकेंड में एंड वाई इज फिनिस्ड इन डिपार्टमेंट थर्ड और जो वाई है वो डिपार्टमेंट थर्ड में फर्दर प्रोसेस होता है ठीक है ड्यूरिंग ए पीरियड टू लैख के जी ऑफ रॉ मटीरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट फर्स्ट एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज एट रिजल्ट एंड सिक्सटी परसेंट बिकम एक्स थर्टी परसेंट वाई एंड टेन परसेंट नॉर्मली लॉस्ड इन प्रोसेसिंग इन डिपार्टमेंट सेकेंड डिपार्टमेंट सेकेंड में क्या होता है हम वाई सॉरी एक्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं वन सिक्स ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग मतलब जब हम एक्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो इसकी जो वन सिक्स क्वांटिटी है उसका लॉस हो जाता है एक्स इज फर्दर प्रोसेस इन डिपार्टमेंट सेकेंड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज वन लैक एटी थाउजेंड ये इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई इन डिपार्टमेंट थर्ड हम डिपार्टमेंट थर्ड में वाई को फर्दर प्रोसेस करते हैं ठीक फर्दर न्यू मटीरियल एडेड टू द मटीरियल रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड वेट इज डबल जब हम वाई को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसका क्वांटिटी जो है उसका जो वेट है वो डबल हो जाता है देर इज नो क्वांटिटी लॉस इन डिपार्टमेंट और लॉस कुछ भी नहीं होता एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विथ मटीरियल कॉस्ट इज रुपीज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड द डिटेल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द इयर एक्स एंड वाई क्वांटिटी सोल्ड एक्स की नाइनटी थाउजेंड वाई की वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड सेलिंग प्राइस एक्स की टेन वाई की फोर देर वाज नो ओपनिंग स्टॉक इफ दिस प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई वुड बी रुपीज एट एंड रुपीज फोर पर के जी रेस्पेक्टिवली ये सेलिंग प्राइस दे रखी है सेपरेशन पॉइंट पर रिक्वायर्ड प्रिपेयर द स्टेटमेंट शो द अपोर्सनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू तो एक्स एंड वाई इन प्रपोर्सन ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है तो हम तो क्या करते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग तरीके से करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट बनाते हैं उसमें पूरा बनाते हैं कहाँ ज्वाइंट कॉस्ट थी कहाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी ठीक है तो बनाने स्टार्ट करें चलिए लिखे आप लोग इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हमने एक रॉ मटेरियल जिसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है टू लैख के जी टू लैख के जी ये हमने इनपुट की मतलब इसको प्रोसेस का किया और ये हमने प्रोसेस किया ये जहाँ प्रोसेस हो रहा है ये डिपार्टमेंट फर्स्ट है और ये जो जॉइंट कॉस्ट लगी जॉइंट कॉस्ट वो दे रखी है एट लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब इससे प्रोडक्ट बने दो एक तो बना X एक बना Y ठीक है X की क्वांटिटी कितनी बनी 60% परसेंट तो टू लैख ,00 के जी उसका 60% परसेंट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड के जी ये तो बना और Y बना 30% परसेंट टू लैख का 30% परसेंट सिक्सटी थाउजेंड के जी बना Y और 10% परसेंट लॉस हो गया प्रोसेसिंग में ये जो लॉस हो गया ना उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता ये जो एक्स और वाई है सेपरेशन पॉइंट पर अगर बेच दिया जाए वो जो टेबल दे रखी है ना क्वेश्चन में उसके लास्ट में देखो दो लाइन दे रखी है देर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक और अगर इस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचें तो एक्स की सेलिंग प्राइस आठ रुपए और वाई की सेलिंग प्राइस चार होगी ये दिया हुआ अच्छा इसके बाद में एक्स फर्दर प्रोसेस होता है डिपार्टमेंट सेकंड में और फर्दर प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट आती है वन लैख एटी थाउजेंड वाई फर्दर प्रोसेस होता है और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एक्स को फर्दर प्रोसेस कर जैसी करते हैं यहां लिखा हुआ है कि जब हम एक्स को डिपार्टमेंट सेकंड में फर्दर प्रोसेस करते हैं तो इसकी वन सिक्स क्वान्टिटी का लॉस हो जाता है मतलब ये क्वांटिटी एक्स की कितनी है एक्स की क्वांटिटी है उसका कितना होता बीस हजार किलो वो फर्दर प्रोसेसिंग में लॉस हो जाता है इसका मतलब एक्स की क्वांटिटी नेट बनेगी वन लैख के जी लाख बीस हजार उसका वन सिक्स बीस किलो लॉस हो गया इसका मतलब नेट आउटपुट कितना बचा वन लैख के ठीक है डिपार्टमेंट अब ये जो वाई है इसको डिपार्टमेंट थर्ड में फर्दर प्रोसेस करते हैं और इसका लिखा हुआ है कि इससे इसका वेट डबल हो जाता है मतलब ये था कितना सिक्सटी थाउजेंड के जी फर्दर प्रोसेसिंग में इसमें और मटेरियल जोड़ा जाता है जिससे इसका वजन डबल हो जाता है मतलब एक लाख बीस हजार किलो ये बना आउटपुट ठीक है अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है अब इसकी क्वांटिटी सेल कितनी की एक्स एक्स की क्वांटिटी हम बेच रहे हैं सोल्ड वो है नाइन्टी थाउजेंड के क्या रेट पर इसकी रेट है सेलिंग प्राइस टेन रुपीज़ तो ये जो ऊपर आउटपुट बना ना वन लेख के इसकी भी सेलिंग प्राइस लिख देते हैं दस रुपये ठीक है बेचा नब्बे हज़ार है बाकी की जो टेन थाउजेंड के है वो स्टॉक में हम तो मानते हैं इसको भी जब बेचेंगे तो टेन रुपीज़ की रेट पर बेचेंगे अच्छा भाई भाई वन लेख ट्वेंटी थाउजेंड के हम बेच कितना रहे वन लेख फिफ्टीन थाउजेंड के जी. क्या रेट पर बेच रहे हैं हम इसको बेच रहे हैं चार रुपये पर के जी. मतलब जो बेचने की रेट है वो चार रुपये वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड के बना वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड के बेच रहे हैं इसका मतलब है पाँच हज़ार किलो स्टॉक में बच गया करेक्ट तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट तैयार तो आप लिखो फटाफट से इसको नोट कर लो इस वर्किंग नोट को बनाने से सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है पहले वाला क्वेश्चन ही हुआ जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स था हाँ थोड़ा सा इसमें नया पॉइंट है वो जो फर्दर प्रोसेसिंग में क्वांटिटी डबल हो जाती है और फर्दर प्रोसेसिंग में एक्स में क्वांटिटी का लॉस होता है ऐसा पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिक्स में नहीं था इसमें मगर ये वर्किंग नोट फर्स्ट बनाने से हमारे सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है करेक्ट अब हमें यहां पर जो जॉइंट कॉस्ट है वो ऊपर हमने लिखी है इसमें एट लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड इस जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है और एलोकेट करने का मेथड दे रखा है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट तो सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर करते हैं ए पॉइंट का आंसर करते हैं करेक्ट अब हम करते हैं इसमें ए पॉइंट का आंसर एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट प्रोडक्ट के नाम है एक्स और वाई सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट उसका लेंगे हम रेशियो एक्स की सेल्स वैल्यू सेपरेशन सेपरेशन पॉइंट पॉइंट पर की क्वांटिटी है मतलब क्वांटिटी है सिक्सटी थाउजेंड के जी एट द रेट फोर टू लैख फोर्टी थाउजेंड और इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है एट सेवेंटी फाइव उसको बांट देंगे जॉइंट कॉस्ट ये हो गया सेवन लैक एंड वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और फर्स्ट पॉइंट का आंसर खत्म ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया इजी था ना अब इसके बाद में इसमें दे रखा है सेकंड पॉइंट ए स्टेटमेंट शो कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेट ज्वाइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली आपको पता हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था पर के कॉस्ट पता करनी थी है ना तो हम करते हैं इसका बी पॉइंट का आंसर कॉस्ट स्टेटमेंट एक्स वाई आउटपुट के जी में एक्स बना कितना नेट फर्दर प्रोसेस होने के बाद फर्दर प्रोसेस होने के बाद एक्स की क्वांटिटी जो बनी है वो वन लैख बेचा नब्बे हजार है मगर बना तो एक लाख है ना और वाई की क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां लिखते हैं वन लैख और यहां वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब हम लिखते हैं जॉइंट कॉस्ट पर केजी जी एक्स पे जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी एक्स पर जॉइंट कॉस्ट लगी सेवन लैख डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है वन लैख ,00 तो ये हो गया सेवन रुपीज पर केजी जी वाई में जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड पर के जी वन पॉइंट फोर फाइव एट थ्री है ना ये हो गई जॉइंट कॉस्ट पर के जी अब पता करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर के जी एक्स में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वन लैख एटी थाउजेंड वन लैख एटी थाउजेंड और क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख पर के जी वन पॉइंट एट वाई में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन पॉइंट टू फाइव तो इससे आएगा टोटल कॉस्ट पर के जी एट पॉइंट एट जीरो एंड टू पॉइंट सेवन जीरो एट थ्री और ये बन गया पर केजी का स्टेटमेंट बना लीजिए आप लोग भी सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स के जैसा क्या जैसा है सेवन क्वेश्चन ज्यादा कुछ चेंज है नहीं अच्छा अब तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट पता करो इनकम स्टेटमेंट अच्छा मैंने आपको क्या समझाया था कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जितनी क्वांटिटी बेची है उसकी सेल्स वैल्यू और उतने क्वांटिटी की कॉस्ट लेनी है है ना उतनी क्वांटिटी की क्या लेनी है हमें कॉस्ट लेनी है एक्स वाई सबसे पहले तो लेते हैं सेल्स वैल्यू अब आप देखो एक्स की क्वांटिटी हमने सेल कितनी की एक्स बना कितना एक्स बना है नाइन वन लैख के मगर हम बेच कितना रहे नाइन्टी थाउजेंड क्या रेट पर बेच रहे हैं टेन रुपीज तो नाइन्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन कितने हो गए नाइन लैख ,00 इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्वांटिटी बेच रहे हैं उतनी की कॉस्ट हमने जस्ट इससे ऊपर स्टेटमेंट इस बनाया जिसमें टोटल कॉस्ट पर के आ रही है एक्स की एट इसमें ज्वाइंट कॉस्ट भी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों शामिल है एट पॉइंट एट और क्वांटिटी बेच कितनी रहे नाइनटी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई एट पॉइंट एट सेवन लैक नाइन्टी टू थाउजेंड अच्छा एक कॉलम और डालना था और वो किसका डालना था टोटल का प्रॉफिट में टोटल का भी कॉलम लगाना है ना और प्रॉफिट कितना हो गया प्रॉफिट हो गया वन लैख एट थाउजेंड वन लैख एट थाउजेंड अब वाई वाई में क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड क्या रेट से फोर तो ये हो गया फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड अब जितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उतनी की कॉस्ट लेस करेंगे क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वन लेख फिफ्टीन थाउजेंड और जो कॉस्ट पर के जी आ रही है ज्वाइंट और फर्दर प्रोसेसिंग दोनों मिलकर वो है टू पॉइंट सेवन जीरो एट थ्री तो मल्टीप्लाई बाई टू पॉइंट सेवन जीरो एट थ्री तो ये हो गया थ्री वन वन फोर फाइव फाइव प्रॉफिट हो गया वन फोर एट फाइव फोर फाइव टोटल कर ले टोटल हो गई थर्टीन लैख सिक्सटी थाउजेंड सेल्स की कॉस्ट की टोटल इलेवन जीरो थ्री फोर डबल फाइव और इससे आ जाएगा टोटल प्रॉफिट टू फाइव Six, five, four, five. ये बन गया इनकम स्टेटमेंट छोटा सा है ना जितनी क्वांटिटी बेचोगे उसी पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो उसी की सेल्स वैल्यू और उतनी क्वांटिटी की कॉस्ट ध्यान रखना है आपको ठीक अच्छा, है अच्छा पॉइंट नंबर डी अब बताना है फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में किया था स्टेटमेंट शोइंग डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट एक्स वाई इनक्रीज इन सेल्स वैल्यू मोटरसाइकिल वाला ठीक है ये मोटरसाइकिल वाला एग्जाम्पल पहले लिया था जो चलता जा रहा है ना इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने से सेल्स वैल्यू कितनी बड़ी? और फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट दोनों को कंपेयर करना है और फिर डिसीजन लेना है तो सेल्स वैल्यू कितनी बड़ी देखें चलिए यहां पर आते हैं हम इसमें क्वांटिटी बेचने वाली नहीं लेनी है इसमें कौन सी क्वांटिटी लेनी है जो बनी x सेपरेशन पॉइंट पर क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सेलिंग प्राइस आठ रुपये तो वन लैख ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई आठ होते हैं नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड है ना मतलब इसको यहां बेचे हैं तो नौ लाख साठ हज़ार रुपये मिलते हैं और यहां बेचे तो जो क्वांटिटी बनी जो क्वांटिटी बेची वो नहीं वन लैख के बना दस रुपये की रेट से यहां बेचे तो कितने मिलते हैं दस लाख रुपए मिलता है। यहाँ बेचे तो नाइन सिक्सटी यहाँ बेचे तो टेन लैक ज़्यादा मिले कितने ज़्यादा मिले चालीस हजार तो यहाँ हमें लिखना है इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू फोर्टी थाउजेंड अब ऐसे ही वाई में वाई में अगर यहाँ बेचें तो सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई फोर रुपये मिलते हैं दो लाख चालीस हज़ार और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद क्वांटिटी कितनी बनी वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फोर रुपए मिलते हैं फोर लैख एट्टी थाउजेंड यहाँ मिलते हैं टू फोर्टी या मिलते हैं टू फोर एट्टी एक्स्ट्रा कितने मिले टू फोर्टी एक्स्ट्रा मिले तो यहाँ लिखते हैं एडिशनल वैल्यू टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब लिखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वन एट्टी और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वन फिफ्टी एक्स में सेल्स वैल्यू केवल चालीस हजार बढ़ी फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट आ गई एक अस्सी इसका मतलब एक्स को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेचेंगे सेपरेशन पॉइंट वाई सेल्स वैल्यू बढ़ी दो चालीस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट वन फिफ्टी इसका मतलब वाई को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे करेक्ट सेम क्वेश्चन नंबर सिक्स के जैसा कोई इतना कुछ खास चेंज बिल्कुल नहीं था बस वो जो चार्ट बनाया था उसमें वो क्वांटिटी एक की डबल हो जाती है और फर्दर प्रोसेसिंग में एक की क्वांटिटी का लॉस होता है वो नया पॉइंट था बाकी कोई नया पॉइंट नहीं था फटाफट से आप लिख लीजिए इसके बाद में हम क्लोजिंग स्टॉक के पॉइंट जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं एट्थ और उससे क्या होगा ये क्लोजिंग स्टॉक वाले क्वेश्चन जो है वो हमारी जिंदगी में से ख़त्म हो जाएंगे एट है तो इसमें स्टॉक वाला पॉइंट मगर ये क्वेश्चन अच्छा है एट वाला क्वेश्चन आपको थोड़े और ध्यान से समझना पड़ेगा करेक्ट स्टॉक का लास्ट क्वेश्चन स्टॉक का लास्ट क्वेश्चन ठीक है चैप्टर का लास्ट नहीं क्वेश्चन नंबर एट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर एट हमें दे रखा है एबीसी लिमिटेड ऑपरेट ए सिंगल केमिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट ए सिंगल मटेरियल इनटू थ्री सेपरेट आइटम रेफर टू ए हियर एज एक्स वाई एंड सेड ऑल थ्री एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड साइमल्टेनियसली एट ए सिंगल स्प्लिट ऑफ पॉइंट तीन प्रोडक्ट बनते हैं इन तीन लाइन का मतलब ये था एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर रेडी फॉर सेल इमीडिएटली अपॉन स्प्लिट ऑफ मतलब स्प्लिट ऑफ पर ही वो रेडी है बिकने भीक, के लिए विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और एनी अदर एडिशनल कॉस्ट मतलब एक्स और वाई फर्दर प्रोसेस नहीं होते प्रोडक्ट जेड हाउ एवर इस प्रोसेस फर्दर बिफोर बींग सोल्ड मगर Z को तो फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है देर इज नो अवेलेबल मार्केट प्राइस फॉर Z एट द दिट ऑफ पॉइंट वो Z सेपरेशन पॉइंट पर बिकता ही नहीं है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही वो बेच सकता है सेलिंग प्राइस कोटेड हियर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट द सेम इन द कमिंग ईयर ड्यूरिंग टू थाउजेंड द आइटम एंड द टोटल क्वान्टिटी सोल्ड वर एक्स क्वांटिटी सोल्ड की 186 टन रेट फिफ्टीन हंड्रेड वाई में क्वांटिटी सोल्ड की 527 ट्वेंटी सेवन टन एट द रेट वन वन टू फाइव टन पर टन एंड जेड सेवन थर्टी सिक्स टन सोल्ड फॉर रुपीज़ सेवन फिफ्टी पर टन द टोटल ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर व रुपीज़ सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इट इज ज्वाइंट कॉस्ट राइट एंड एडिशनल थ्री लैख टन थाउजेंड वॉज स्पेंट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट जेड ये जेड को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है तीन लाख दस हजार नो ओपनिंग स्टॉक एट दर फॉलोविंग इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीट यूनिट वोनिंग स्टॉक तो नहीं था मगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है एक्स का क्लोजिंग स्टॉक एड का ट्वेंटी फाइव टन फिर आगे देर वार नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्यू आई पी का स्टॉक से यहाँ कोई लेना देना नहीं है रिक्वायर्ड कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएसन करो

वो जो फिफ्थ मेथड समझाया था कांस्टेंट जीपी मार्जिन परसेंटेज एनआरवी ये है बताऊंगा किस तरह से पहले एक एक से करें हमें यहां पर कोई इनकम वगैरह पता नहीं करनी है हमें क्या करना है हमें केवल एक तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करनी है पहले एनआरवी मेथड काम में लेते हैं मतलब जॉइंट कॉस्ट को बांटने का पहला मेथड कौन सा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो पहले तो वर्किंग रोड बनाएं पूरा क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करें चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन करना यहीं से कर लेते हैं है ना रॉ मटेरियल इसको प्रोसेस किया और इससे प्रोडक्ट बने तीन एक्स वाई जेड एक्स की क्वांटिटी बनी कितनी ये तो नहीं दिया हुआ है मगर क्वांटिटी दे रखी हमें सोल्ड सोल्ड और क्वांटिटी हमें दे रखी है स्टॉक की क्वांटिटी सोल्ड की एक्स की, की 186 टन एट द रेट 1500 पर टन और व, और 180 टन का स्टॉक दे रखा है इसका 180 टन का इसका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सोल्ड दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक दिया तो पता है क्या है इस बार प्रोडक्शन पता चलेगा इन दोनों को जोड़ के सोल्ड के 186, स्टॉक के 180 तो दोनों को अगर ऐड करें 186 प्लस 180 तो ये होते हैं 366 इसका मतलब ये बना आउटपुट 366 टन जिसकी सेलिंग प्राइस है पंद्रह रुपए पर टन बेचा उसमें से 186 टन है ठीक है इसी तरह से वाई वाई की क्वांटिटी सोल्ड हमें दे रखी है 527 टन एट द रेट 1125 वन टू फाइव पर टन और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इसका 80 टन इसका मतलब आउटपुट कितना बना बाई का 587 टन 607 टन है ना सॉरी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 607 आएगा सिक्स 60 सेवन टन एट द रेट वन वन टू फाइव पर टन सिक्स ज़ीरो सेवन टन बना फाइव ट्वेंटी सेवन हमने बेच दिया और एट्टी टन स्टॉक में पड़े अब जेड जेड की क्वांटिटी जेड सेपरेशन पॉइंट पर बिकता ही नहीं है जेड को क्या करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा और जेड को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट रखी है थ्री लैख टेन थाउजेंड और उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी सोल्ड है क्वांटिटी सोल्ड वो कितनी है सेवन थर्टी सिक्स टन एट द रेट सेवन फिफ्टी पर टन और क्वांटिटी जो स्टॉक में वो कितनी है ट्वेंटी फाइव टन तो इसका मतलब है इन दोनों को मिलाकर इसका आउटपुट कितना बना सेवन थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव आउटपुट बना सेवन सिक्सटी वन जिसकी सेलिंग प्राइस है सेवन फिफ्टी टन ये है इसका वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट एक्स और वाई फर्दर प्रोसेस होते नहीं है और जेड फर्दर प्रोसेस के बिना बिकता ही नहीं है जेड को सेपरेशन पॉइंट पर कोई क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी है बाद में ही दे रखी है क्योंकि वो सेपरेशन पॉइंट पर बिकता ही नहीं है ठीक है आप लिख लो इसको इसके बाद हम इसका पहला पॉइंट अप्लाई करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ओके okay. तो अब हम करते हैं इसका ए पॉइंट ए पॉइंट एन आर वी मैथड बटे ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट इसमें पहला पॉइंट लगाओ फर्स्ट पॉइंट आप समझ में आ जाएगा क्या मैं क्या कर रहा हूं इसमें एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट एनआरवी मेथड काम ले रहे हैं पहले तो जॉइंट कॉस्ट को बांट रहे हैं कौन कौन से प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड एन आर वी लेना है रेशियो में एन आर वी का क्या लेना है रेशियो ठीक है एक्स और वाई फर्दर प्रोसेस होते ही नहीं है तो जो सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू है हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू मानते मैंने बताया भी था अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होते तो सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू को ही फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू मानते हैं और उसी को एन आर वी मानते हैं है ना? तो देखो अच्छा जब हम जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे तो क्वांटिटी जितनी बनी है उसके हिसाब से ना कि क्वांटिटी जितनी बेची है तो हम सेल्स वैल्यू लेंगे क्वांटिटी जो बनी है ना कि क्वांटिटी जो बेची है एक्स कितना बना थ्री सिक्सटी सिक्स और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है पंद्रह सौ मतलब एक्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइव लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड जो क्वांटिटी बनी है उसकी सेल्स वैल्यू बेचने वाली नहीं बेचने वाली क्वांटिटी केवल प्रॉफिट निकालने के काम आती है और कुछ नहीं वाई वाई की क्वांटिटी कितनी बनी सिक्स जीरो सेवन मल्टीप्लाई बाई वन वन टू फाइव इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सिक्स एटी टू एट सेवेंटी फाइव और Z, Z की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर यानी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 761 सिक्सटी वन मल्टीप्लाई बाय साढ़े सात सौ इसमें से माइनस करेंगे नेट रिलाइजल वैल्यू का मतलब क्या होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तीन लाख दस हजार तो इसकी नेट रिलाइजबल वैल्यू होगी टू सिक्स जीरो सेवन फाइव जीरो और इस रेशियो में क्या करें जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं जॉइंट कॉस्ट टोटल कितनी है यहां पर हमने जॉइंट कॉस्ट लिख लो जॉइंट कॉस्ट कितनी है जॉइंट कॉस्ट है सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करेक्ट तो जॉइंट कॉस्ट सिक्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को इस रेशियो में बांटना है टू नाइन एट एट जीरो टू एटी फाइव नाइन थ्री एट वन जीरो नाइन वन एट टू कर देते जिससे इसकी टोटल उसके टोटल सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के बराबर आ जाए करेक्ट ये हमने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट करने के बाद हम सेकेंड काम करते हैं टोटल कॉस्ट पता करते हैं क्या पता करते हैं टोटल कॉस्ट एक्स वाई सेट, जॉइंट कॉस्ट एक्स की कितनी है टू ट्वेंटी नाइन एट एट जीरो वाई की टू फाइव नाइन थर्टी एट और Z की 109 182 इसमें जोड़ते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो X में नहीं Y में नहीं मगर Z में है Z में कितनी है Z में फ़र्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तीन लाख दस हज़ार तो इससे आ जाएगी टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट टू टू नाइन 938 एट ज़ीरो टू एटी फाइव नाइन थर्टी एट और इसमें आएगा फोर फोर वन नाइन वन एटी टू अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट पर केजी। एक्स में टोटल कॉस्ट है टू ट्वेंटी नाइन एट एट जीरो और एक्स की क्वांटिटी बनी कितनी आउटपुट कितना हुआ एक्स का आउटपुट हुआ थ्री सिक्सटी सिक्स टन तो इसमें डिवाइड करो थ्री सिक्सटी सिक्स टन तो यह आएगा सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो एट सेवन फोर ज़ीरो एट सेवन फोर पर के जी मैं बताऊँगा ये क्यों कर रहे हैं ठीक है अब वाई वाई में टोटल कॉस्ट है टू एट्टी फाइव नाइन थर्टी एट डिवाइडेड बाय इसकी टोटल क्वांटिटी है सिक्स ज़ीरो सेवन डिवाइडेड बाय सिक्स ज़ीरो सेवन तो इसकी कॉस्ट पर के हो गई फोर सेवेंटी वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स सेवन फाइव फिर जेड फोर वन नाइन वन एट टू डिवाइडेड बाय इसकी टोटल क्वांटिटी बनी सेवन सिक्सटी वन तो फाइव फिफ्टी पॉइंट एट थ्री जीरो फोर एट थ्री ज़ीरो फाइव ये कॉस्ट पर के आ गई अब तीसरा पॉइंट अभी तक एन मेथड ही चल रहा है अब हम क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स वाई जेड समझना सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं हमें यही तो कह रखा था क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो और किसका वैल्यूएशन करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन कैसे करेंगे देखो पहले एक्स में करते हैं एक्स की क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है वन एट्टी टन वन टन और पर के जी इसकी कॉस्ट क्या है पर के जी इसकी कॉस्ट है सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो एट सेवन फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट ज़ीरो एट सेवन फोर इसके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन हो गया वन वन थ्री ज़ीरो फाइव एट समझ गए जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर केजी इसी तरीके से इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालो इसी का एक्स की क्वांटिटी बेची कितनी एक्स की क्वांटिटी बेची है 186 मतलब जो क्वांटिटी बेची है उसकी कॉस्ट तो क्वांटिटी बेची है 186 मल्टीप्लाई बाय पर केजी पर केजी कॉस्ट है 628.0874 तो ये आ गया 116 एट टू फोर ये इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया इसी तरीके से वाई वाई में क्वांटिटी हमने सोल्ड कितनी की क्वांटिटी स्टॉक मेंल्टीप्लाई बाई फोर सेवन पॉइंट जीरो सेवन सिक्स एट फाइव और क्वांटिटी सोल्ड कितनी की है वाई में फाइव ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर सेवन पॉइंट जीरो सिक्स सेवन फाइव टू फोर्टी एट टू फिफ्टी थ्री अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं Z में Z में क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव फिफ्टी पॉइंट एट थ्री ज़ीरो फाइव स्टॉक का वैल्यूशन हो गया वन थ्री सेवन सेवन वन और क्वांटिटी सोल्ड कितनी की है सेवन थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव जीरो पॉइंट एट थ्री ज़ीरो फाइव फोर फाइव थाउजेंड फोर वन वन ठीक है ये लिख लो ये हमने किया एक मेथड से क्वेश्चन में दे रखा था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यूएशन करो तो सबसे पहले तो हमने क्या किया जॉइंट कॉस्ट को बांटा फिर हमने जॉइंट कॉस्ट में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाली और टोटल कॉस्ट पर केजी निकाली और फिर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मतलब जो बेची क्वांटिटी उसकी क्वांटिटी हमें पता थी तो हमने उसको कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यूशन कर लिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी वैल्यूशन कर लिया ठीक है क्ट अब एक और मेथड से करना है यह तो हमने किया नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से तीन स्टेप पहले जॉइंट कॉस्ट को बांटा फिर टोटल कॉस्ट निकाली फिर क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यूएशन किया अब दूसरा बी पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी के रेशियो में तो स्टार्ट करें स्टार्ट करते हैं इसका बी पॉइंट चलिए देखिए बी पॉइंट कॉन्स्टेंट जीपी मार्जिन एनआरवी मेथड इसमें पहले तो ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ये मेथड पढ़ा था अगर आपको हो सकता है अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता देता हूं एक्स वाई जेड और टोटल मैंने इसमें कहा था सबसे पहले तो सेल्स लिखो अच्छा जॉइंट कॉस्ट को जब एलोकेट कर रहे हो ना तो सेल्स वैल्यू पूरी क्वांटिटी की लेनी है जो बनी केवल जब आप प्रॉफिट निकालो ना तो प्रॉफिट केवल जो क्वांटिटी बेची है उसी का कैलकुलेट होता है ठीक है ना तो देखो एक्स की क्वांटिटी बनी कितनी एक्स की क्वांटिटी बनी 366 क्वांटिटी बनी और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है पंद्रह सौ तो जो क्वांटिटी बनी उसकी टोटल सेल्स वैल्यू है फाइव लैक फोर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है अच्छा इसके बाद में हम लेते हैं वाई वाई में क्वांटिटी बनी कितनी सिक्स टन और इसकी सेलिंग प्राइस है वन वन टू फाइव सेल्स वैल्यू होती है सिक्स एटी टू एट सेवेंटी फाइव जेड जेड में क्वांटिटी बनी कितनी सेवन सिक्सटी वन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस है सेवन फिफ्टी तो फाइव सेवन ज़ीरो सेवन फाइव ज़ीरो और इन तीनों की टोटल लगा देते हैं एटीन लैख टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव इसमें से माइनस करते हैं एक तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें है नहीं इसमें है नहीं इसमें है।, इस है तीन लाख दस हजार रुपये माइनस करते हैं और टोटल में भी तीन लाख दस हजार माइनस हो जाएंगे ठीक है अब इसमें से एक चीज और माइनस करते हैं और वो है जॉइंट कॉस्ट क्या माइनस करते हैं जॉइंट जॉइंट कॉस्ट कॉस्ट हमें टोटल में पता है जॉइंट कॉस्ट हमें क्या है टोटल में पता है कितनी है छह लाख पच्चीस हजार माइनस करो छह लाख पच्चीस हजार तो एक काम करते हैं अब इस जॉइंट कॉस्ट को एक्स वाई जेड पे बांटना है पहले एक बार टोटल का प्रॉफिट निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट टोटल में एटीन लैक टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव टोटल सेल्स माइनस तीन लाख दस हज़ार माइनस छः छः लाख पच्चीस हज़ार टोटल का प्रॉफिट हो गया एट सिक्स सेवन सिक्स टू फाइव और टोटल की जीपी रेट एट सिक्स सेवन सिक्स टू फाइव डिवाइडेड बाय अठारह लाख दो हज़ार छः सौ पच्चीस जी रेट हो गई जी रेट फोर्टी एट पॉइंट वन थ्री वन टू ये जीपी रेट हो गई टोटल की फिर हमने क्या किया था उस क्वेश्चन में चॉकलेट वाले क्वेश्चन में कि जो जीपी रेट टोटल में आई है वही जीपी रेट एक्स की वाई की और जेड की लिखनी है मतलब एक्स की जीपी रेट 48.1312 एट परसेंट वाई की जीपी रेट भी 48.1312 परसेंट और जेड की जीपी रेट भी 48.1312 एट अब रिवर्स चलो कैसे देखो एक्स की सेल्स है फाइव फोर्टी नाइन जीपी रेट है फोर्टी एट पॉइंट वन थ्री वन टू परसेंट तो इसका जी पी हो गया टू सिक्स फोर टू फोर जीरो अब इसकी ज्वाइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं कैसे इसकी सेल्स वैल्यू है फाइव फोर्टी नाइन इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं और इसका प्रॉफिट आ रहा है टू सिक्स फोर टू फोर जीरो तो सेल्स में से अगर जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट आएगी और कॉस्ट में केवल और केवल क्या है जॉइंट कॉस्ट क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसकी है नहीं तो फाइव फोर्टी नाइन में से माइनस करते हैं टू सिक्स फोर टू फोर ज़ीरो तो इसकी जॉइंट कॉस्ट हो गई टू एट्टी फोर सेवन सिक्स ज़ीरो माइनस हो गया इसकी जॉइंट कॉस्ट अब वाई की इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे वाई की सेल्स वैल्यू कितनी है सिक्स एट्टी टू एट सेवेंटी फाइव इसका फोर्टी एट पॉइंट वन थ्री वन टू परसेंट वाई की जी पी थ्री लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड सिक्स सेवेंटी सिक्स तो सिक्स एटी टू एट सेवेंटी फाइव माइनस थ्री टू एट सिक्स सेवन सिक्स तो इसकी जॉइंट कॉस्ट हो गई माइनस थ्री फाइव फोर वन डबल नाइन ठीक है अब एक काम करते हैं Z की जॉइंट कॉस्ट सीधे निकाल सकते हैं कैसे देखो टोटल जीपी कितना है टोटल जीपी है एट सिक्स सेवन सिक्स टू फाइव उसमें से एक्स का जीपी कितना है टू सिक्स फोर टू फोर ज़ीरो और इसमें से माइनस करते हैं वाई का जीपी पी थ्री टू एट सिक्स सेवन सिक्स तो वाई का जेड का जीपी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू सेवन फोर सेवन ज़ीरो नाइन ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और हम चाहें तो अब जेड की ज्वाइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है छः लाख पच्चीस हज़ार है टोटल ज्वाइंट कॉस्ट उसमें से एक्स का शेयर कितना है टू एट्टी फोर सेवन सिक्स जीरो और वाई का शेयर कितना है थ्री फिफ्टी फोर वन डबल नाइन और जब ये करोगे तो जेड की ज्वाइंट कॉस्ट नेगेटिव आ रही है मतलब ये माइनस होने की जगह प्लस हो रहा है वन थ्री नाइन फाइव नाइन अब ये तो इस क्वेश्चन की दिक्कत है कि जॉइंट कॉस्ट यहाँ पर एलोकेट होने की बजाय ये तो प्लस हो रहा है वन थ्री नाइन फाइव नाइन ठीक है अब आता है सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे टोटल कॉस्ट एक्स वाई जेड और टोटल टोटल करने की अब जरूरत नहीं है, है ना एक्स वाई और जेड जॉइंट कॉस्ट एक्स की ज्वाइंट कॉस्ट टू एट्टी फोर सेवन सिक्स ज़ीरो वाई की जॉइंट कॉस्ट थ्री फिफ्टी फोर वन डबल नाइन और जेड की जॉइंट कॉस्ट नेगेटिव है वन थ्री नाइन नाइन अब जॉइंट कॉस्ट नेगेटिव कैसे आ सकती है मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हो रही है ऐसा ना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एक्स की नील वाई की नील और जेड की थ्री लैख टेन थाउजेंड इस आएगी टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट टू एट्टी फोर सेवन सिक्स ज़ीरो थ्री फिफ्टी फोर वन डबल नाइन और एक तो है माइनस और एक प्लस का तीन लाख तीन लाख दस हज़ार माइनस के वन थ्री नाइन फाइव नाइन टू नाइन सिक्स ज़ीरो फोर वन ठीक है अब इसको हम टोटल कॉस्ट को पर केज पर टन पता कर लेते हैं पर टन यहाँ पे भी ये पर टन था यहाँ जो ऊपर हमने किया ना पर के उसकी जगह इसको पर टन कर लीजिए एन मेथड में भी या क्वांटिटी टन में किलोग्राम में नहीं है ठीक है तो करें इसको सॉल्व 284760 डिवाइडेड बाय इसकी क्वांटिटी बनी कितनी आउटपुट बना 366 पर टन हो गया 778.0328 0328 वाई में थ्री फिफ्टी फोर वन डबल नाइन डिवाइडेड बाई इसकी क्वांटिटी कितनी बनी सिक्स ज़ीरो सेवन टन तो पर टन फाइफ एटी थ्री पॉइंट फाइव टू थ्री नाइन फाइव टू थ्री नाइन और जेड में टू नाइन्टी सिक्स ज़ीरो फोर वन डिवाइडेड बाई इसकी क्वांटिटी बनी कितनी सेवन सिक्सटी वन टन पर टन थ्री एटी नाइन पॉइंट जीरो वन फाइव एट यानी पर टन कॉस्ट अब तीसरा पॉइंट करते हैं क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आपको कहा भी था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स वाई जेड पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लेते हैं साथ साथ में क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले एक्स एक्स में क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है वन एटी और पर के जी पर टन कॉस्ट क्या है सेवन सेवन एट पॉइंट जीरो थ्री टू एट जिंग स्टॉक का वैल्यूशन हो गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड जीरो फोर सिक्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें क्वांटिटी बेची कितनी वन एटी सिक्स टन मल्टीप्लाई बाय सेवन सेवेंटी एट पॉइंट जीरो थ्री टू एट वन फोर्टी फोर सेवन वन फोर अब वाई वाई में क्वांटिटी स्टॉक में एट्टी टन मल्टीप्लाई बाई फाइव एटी थ्री पॉइंट फाइव टू थ्री नाइन फोर डबल सिक्स एट टू और क्वांटिटी सोल्ड की है फाइव ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाय फाइव एटी थ्री पॉइंट फाइव टू थ्री नाइन थ्री ज़ीरो सेवन फाइव वन सेवन अच्छा जेड Z में क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है ट्वेंटी फाइव टन मल्टीप्लाई बाय थ्री एट्टी नाइन पॉइंट जीरो वन फाइव एट नाइन सेवन टू फाइव और क्वांटिटी सोल्ड कितनी की है सेवन थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एटी नाइन पॉइंट जीरो वन फाइव एट टू एटी सिक्स थ्री वन सिक्स ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट भी आप लोग फटाफट से नोट कर लो बस इसमें दिक्कत वाला पॉइंट एक ही था कि जो सेकंड पॉइंट जब हमने किया तो उसमें जब ग्रॉस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटा गया तो Z में जो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हुई वो नेगेटिव हो गई अब नेगेटिव ज्वाइंट कॉस्ट कैसे हो सकती है मगर कैलकुलेशन के हिसाब से वो नेगेटिव हो गई ठीक है ना तो ये था क्वेश्चन नंबर एट ये क्वेश्चन थोड़ा भारी क्वेश्चन था मगर अब इसके आगे जो क्वेश्चन है नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इजी है, है फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे एक ही क्लास में सॉल्व हो जाएंगे करेक्ट ओके okay. तो हमने आज ज्वाइंट प्रोडक्ट के दो क्वेश्चन किए सेवंथ और एट सेवेंथ भी थोड़ा अच्छा था और एट्थ कुछ ज्यादा ही अच्छा था ठीक है तो इसके बाद मगर जो अब क्वेश्चन है नौ दस ग्यारह बारह जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं नौ दस ग्यारह बारह वो इजी क्वेश्चन है तो हम लास्ट क्लास में इसको भी पार लगा देंगे ठीक है ना जिससे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है ओके तो आज इतना ही नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे ठीक ओके थैंक यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट क्लास